Hello guys and welcome back to my channel. This is Smriti and I am back with my new video. Guys, in this video I'm gonna tell you how to draw a portrait by using soft pastel colors. This video is for beginners, so let's start the video. First of all, आपको जो portrait draw करना है उसकी outlining लेनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे आपने कलर करना है उसमें. तो हम पहले आउटलाइन ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, उसमें शेडिंग वगैरह कुछ नहीं करनी. एक हमें आइडिया लेना है कि कहाँ पे आईज है, कहाँ पे नोज है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एज यू ऑल कैन सी, मैंने यहाँ पे आईज में प्रॉपर आईज नहीं बनाई है, सिर्फ आउटलाइनिंग ली है. ऐसे ही आपको भी सिर्फ आउटलाइनिंग लेनी है, पूरा प्रॉपर ड्रॉ नहीं करना. यहाँ पे गाइज हमारी जो आउटलाइनिंग है वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे मैंने सॉफ्ट पेस्टल जो कलर्स यूज़ किए हैं वो कैमल के किए हैं. बहुत ही अच्छे कलर्स हैं, ये बहुत सॉफ्ट कलर हैं और ये किसी भी स्टेशनरी पे आपको रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो जाएंगे. किसी भी आप मार्केट में जाओगे, किसी भी शॉप पे आप पता करोगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे. और ये जो कलर्स हैं इजीली मिक्स हो सकते हैं. मिक्स करने के लिए आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फिंगर टिप से भी मिक्स कर सकते हैं. जो आप ब्रश वगैरह और कुछ यूज़ करते हैं मिक्स करने के लिए या शेडिंग करने के लिए, उसका यूज़ ना करें तो बेटर है, क्योंकि उससे जो ये कलर्स हैं वो हट जाएंगे, क्योंकि ये चॉक की तरह सॉफ्ट होते हैं. तो जब आप इसको करेंगे तो फिंगर टिप से ही आप इसकी शेडिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं. सो गाइज, यहाँ पे जो आईज हैं उसके लिए मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है. इफ़ यू कैन डू विद कलर्स इट्स गुड फॉर यू, बट मैं फिर भी प्रेफर करूँगी कि आप चारकोल पेंसिल का ही यूज़ करें, क्योंकि पेंसिल से आपकी जो आईज का वो फिनिश्ड लुक आएगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा. और जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो कि बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है आईज का, बहुत ही अच्छी लग रही है आईज. तो जहाँ पे आपको लगता है कि आप कलर से नहीं कर सकते, वहाँ भी आप चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे आपके कलर जो है वो मोटे होंगे, तो इसलिए वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिक्स हो जाएंगे दूसरे कलर्स के साथ तो वो अच्छा नहीं लगेगा. तो इसीलिए हम चारकोल पेंसिल को यूज़ करेंगे वहाँ पे भी. एंड हाँ, वन थिंग मैं आपको जो बताना भूल गई वो ये है, जब आप कलर मिक्स करेंगे वो हम डार्क से लाइटर करेंगे. मींस हम मेनली जो हम कलर करते हैं वो पहले लाइट करते हैं, उसके बाद हम डार्क कलर करते हैं. बट सॉफ्ट पेस्टल कलर्स में हमारा ऑपोजिट होता है, हम पहले डार्क करेंगे, जो डार्क एरियाज हैं वो कवर करेंगे, उसके बाद हम लाइटर एरियाज कवर करेंगे, लाइट कलर से हम उनको करेंगे. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने पहले डार्क कलर किया है, उसके बाद लाइट कलर किया है, जिससे वो अलग से ही दिख रहा है. और यहाँ पे जब हम मिक्स करने लगेंगे, उसके लिए हम पहले लाइट को मिक्स करेंगे, जो हम शेड करेंगे वो लाइट कलर से, उसके बाद हम डार्क शेड करेंगे. एंड हाँ, प्लीज़ अपनी फिंगर ज़रूर साफ करें अगर जैसे भी आप शेड करेंगे, क्योंकि अगर डार्क कलर लाइट के साथ मिक्स हो गया तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, उसका लुक सारा ख़राब हो जाएगा. तो अब यहाँ पे हम पूरा पहले डार्क कर देंगे, उसके ऊपर वाइट कलर से मिक्स करेंगे. मोस्टली हमारा जो लुक है वो कम्प्लीट हो चुका है. यहाँ पे हम इसकी जो ड्रेस है उसमें कलर हम कंप्लीट करेंगे. एंड उसके बाद जो यहाँ पे आपको केसरी लिखा हुआ दिख रहा है, उसमें यू कैन यूज़ स्केच, यू कैन यूज़ पेंटिंग कलर्स,
or anything else which you want. So यहाँ पे मैंने जो केसरी में use किया है वो sketch and this is our final look of केसरी. Hope you guys liked it, enjoyed it. And अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ गाइज इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड जो इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट.